दोस्तों साउथ कोरिया के कानून के मुताबिक देश के सभी लोगों को 18 साल से 28 साल की उम्र के दौरान करीब 2 साल तक सेना में सेवा करनी पड़ती है। चाहे वह इंसान कितना भी फेमस हो, उसे 2 साल मिलिट्री सर्विस देनी ही पड़ती है। यह बात ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि साउथ कोरिया के किसी व्यक्ति ने ओलंपिक मेडल जीता है तो उसे मिलिट्री सर्विस जरूरी नहीं है, फिर वह अपनी इच्छा से सैन्य सेवा में भाग ले सकता है। क्या आपने सिल्की चिकन का नाम सुना है? सिल्की चिकन मुर्गी की एक अद्भुत नस्ल मानी जाती है, क्योंकि यह मुर्गी की एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसकी स्किन और बोन्स ब्लैक होती हैं। जनरली मुर्गियों के पंजों में 3 या 4 अंगूठे होते हैं, लेकिन सिल्की चिकन के पंजों में 5-5 अंगूठे देखने को मिलते हैं। साथ ही इनके ईयर लॉब्स का कलर नीले रंग का होता है। दोस्तों जब आप किसी भी दुकान पर कोई भी छोटा या बड़ा सामान खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उस सामान के पैकेट पर MRP जरूर लिखा होता है। इस MRP के आगे ही उस सामान की कीमत लिखी होती है। कोई भी रिटेलर या फिर दुकानदार किसी भी वस्तु को MRP से अधिक दाम पर नहीं बेच सकता है। यदि वह MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक रेट पर सामान बेचता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ MRP सिस्टम चलता है, बाकी कंट्रीज में MRP नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दोस्तों क्या आपने वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा का नाम सुना है? वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा एक ऑस्ट्रियन म्यूजिकल ग्रुप है जो कि सब्जियों से बने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है। यह फैक्ट सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह म्यूजिकल ग्रुप तरह तरह की सब्जियों का इस्तेमाल कर म्यूजिक शो चलाता है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। शो के बाद उन्हीं सब्जियों का सूप बनाकर पिलाया भी जाता है। बांसुरी तो आप सबने देखी होगी और शायद बजाई भी हो। बांसुरी को बनाने के लिए हमेशा बांस की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यदि इतिहास के पन्ने पलटें तो एक हैरतअंगेज सच देखने को मिलता है। 2009 में आर्कियोलॉजिस्ट ने जर्मनी में करीब 40,000 वर्ष पुरानी बांसुरी खोजी है, और हैरानी की बात यह है कि यह इंस्ट्रूमेंट बांस का नहीं बल्कि इंसानों की हड्डियों से बनाया गया है। दोस्तों जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और तमाम लोग उन्हें बधाई देते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं, साथ ही सभी लोग मिलकर पार्टी भी करते हैं। लेकिन स्पेन के बच्चों के जन्म लेने के बाद अजीबोगरीब परंपरा अपनाई जाती है। दरअसल स्पेन में इल कुलेको नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे डेविल जंपिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस फेस्टिवल में हाल ही में जन्मे बच्चों को उनकी माँ सड़क पर बिछे बिस्तरों पर लिटा देती है। इसके बाद एक पीली ड्रेस पहने आदमी, इसे डेविल कहा जाता है, इन बच्चों के ऊपर कूदता हुआ निकल जाता है। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चों पर बुरी नज़र का असर नहीं होता है। क्या आपको पता है किसी चीज़ को चबाते या खाते समय खरगोश 1 मिनट में 120 से अधिक बार अपने जबड़े को हिलाता है? क्या आपको पता है दुनिया के 70% करोड़पति लोग खुद को अमीर नहीं मानते हैं? एक UBS सर्वे के मुताबिक दुनिया में जिन लोगों के पास $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ रुपए है, वे खुद को अमीर नहीं मानते हैं जब तक कि उस पैसा का 4 गुना उनके पास ना आ जाए। दोस्तों आत्मा का रहस्य अब तक इंसान को चौंकाता रहा है। आत्मा क्या है और कहाँ है, इन सवालों का सही जवाब अब तक इंसान को नहीं मिल पाया है। इसके बारे में पता लगाने के लिए डंकल मैकडॉगल ने 1901 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने मनुष्य की आत्मा के वजन का पता लगाया था। इस रिसर्च के अनुसार इंसान की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। इनके अनुसार इंसान की दिमागी क्रियाएं जैसे किसी चीज़ को देखना, समझना, महसूस करना और फैसला लेना, ऐसी ही शक्तियां आत्मा कहलाती हैं। स्क्रीन पर दिख रही फोटो दुनिया के सबसे छोटे चेस बोर्ड की है जो कि एक रिंग की तरह बनाया गया है जिसे पहना और खेला भी जा सकता है। इस चेस सेट रिंग को जॉय टर्नर ने बनाया है।